करें शुरू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब खैरियत? चलो बढ़िया। होमवर्क आया? सिमिलर क्वेश्चन था, एकदम सेम था, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम होगा तो मुझे क्लास के बाद बोल दो। एकदम सेम क्वेश्चन था, ठीक है? चलो, नोट्स। अरे यार नोट्स देता हूँ, नोट्स देता हूँ मैं, टेंशन मत लो। आज तो शायद क्वेश्चन करेंगे भी नहीं, पता नहीं, तो शायद आज काम में नहीं आएंगे इतने नोट्स। चलो, आज एक न्यू कंसेप्ट बहुत हो गया, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, शेयर्स बहुत हो गया, बहुत सीख लिया हमने शेयर्स के बारे में। अभी हमको सीखना है कुछ नया, तो नया सीखने वाले हैं नए जोश के साथ, ठीक है? सीखना है नया, क्या बोलते हो? चलो, तो नया सीखने वाले अभी, इधर सबका ध्यान, बुक्स वगैरह सब नीचे रहने दो, ठीक है? तो नया टॉपिक, नया चीज इस एएस में जो है, जैसे मैंने शुरू में बोला था, इनकम बेसिस पे दो इसमें क्लासिफाइड है सिक्योरिटीज, है ना? पहला पोर्शन था वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, कि सिक्योरिटीज जो वेरिएबल इनकम देते, ऐसे सिक्योरिटीज कौन से होते? शेयर्स। क्यों वेरिएबल इनकम देते वो लोग? क्योंकि डिविडेंड पक्का पता नहीं होता है कितना मिलने वाला है, उन्होंने बताया नहीं हुआ है, हाँ इतना डिविडेंड तो हम देने ही वाले, ऐसे नहीं था, ठीक है? पर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में अलग क्या होता है वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज से? इनकम पहले ही डिसाइडेड है। इसके एग्जांपल्स क्या है? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होते हैं कुछ कुछ जिसमें फिक्स्ड दिया जाता है, जैसे अभी डिबेंचर्स। तो अगर मैंने बोल दिया 10% डिबेंचर्स, इसका क्या मतलब है? 10% इंटरेस्ट मिलेगा, कितना पर? मंथली 10%, हाफ ईयरली 10%, ईयरली रेट ईयरली होता है, तो ईयरली 10% दिया जाएगा। इंटरेस्ट के डेट्स कंपनी दे देती है, तो इस दिन पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसका ये मतलब होता है। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्कस करते इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है? सोचते थोड़ा, जैसे वेरिएबल इनकम के लिए भी सोचा था, अपन सबने, वैसे इसके लिए भी सोचते, ठीक है? तो फिक्स्ड इनकम के लिए एक तो अपना नॉर्मल लेजर अकाउंट जो बनता है उसमें 6 कॉलम्स तो होते ही है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट वो तो इसमें भी रहेगा, अमाउंट कॉलम मतलब इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट कॉलम वो तो इसमें वेरिएबल इनकम में था, सेम इसमें भी रहेगा। अभी जैसे शेयर्स में डिविडेंड मिलता था, इसमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो अगर कितना अच्छा होता, मुझे अगर पता चल जाता इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ना, मैं एक लेजर अकाउंट खोलूं, मुझे सब सामने आ गया कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट इतना इतना है, इन्वेस्टमेंट बेचने पे ये प्रॉफिट हुआ और इस पे इंटरेस्ट इतना मिला है, एक ही अकाउंट खोलने से समझ जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए इसमें और एक कॉलम ऐड हो जाएगा, कौन सा? इंटरेस्ट कॉलम। जैसे वहां पे डिविडेंड था, यहाँ पे कौन सा कॉलम ऐड होगा? इंटरेस्ट कॉलम ऐड होगा। और जैसे वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स था, ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, कि मैंने इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, इतने बेचे, मेरे पास इतने पड़े। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा पता है? नंबर ऑफ डिबेंचर से भी अच्छा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो 2 मिनट, क्या बात है? फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, तो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए इसको क्या हो रहा है आज? फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मेरे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है, कितने फेस वैल्यू के बेच दिए। फेस वैल्यू के लिए और एक वर्ड है जो तुमने सुना भी होगा फाउंडेशन में, नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू के लिए और एक वर्ड है, नॉमिनल वैल्यू। तो इसमें 3 कॉलम्स कौन से आएंगे? एक तो इंटरेस्ट कॉलम और दूसरा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कॉलम। तो बेसिकली 10 कॉलम इसमें भी है। कौन से 10 कॉलम? डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कॉलम, फिर उसके बाद इंटरेस्ट और फिर अमाउंट। तो ये बन गया फॉर्मेट, है ना? आसान है, लर्न करने की जरूरत है क्या? फॉर्मेट कितना लॉजिकल फॉर्मेट सोचा है उन्होंने, सोचते वक्त कि हाँ एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे कैश बैंक कॉलम बनाया करते थे एक ही साथ, वैसे ही सेम इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ये सब कॉलम ऐड कर दिए गए, इसलिए ये फॉर्मेट बना दिया गया, ठीक है? तो ये था उसका फॉर्मेट के बारे में।
एक काम करते लिख भी लेते साइड बाय साइड, मतलब एक साथ बहुत लिखने का नहीं आएगा अपने को। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का फॉर्मेट कौन बोला? डिबेंचर्स भी ट्रेड होते हैं, डिबेंचर्स की वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती है। क्यों होती है उसका एक शॉर्ट में बता देता हूँ, ये क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा मैं इसको। डिबेंचर्स की वैल्यू क्यों चेंज होती है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट इशू करते वक्त 10% था, तो मैंने 10% इंटरेस्ट डिबेंचर्स ऑफर कर दिए थे। अभी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर के हो गया 9%, ठीक है, और ये डिबेंचर कितना दे रहा है? डिबेंचर का रेट चेंज होगा क्या? 10% ही है, पर मार्केट रेट मतलब जो ओवरऑल इकोनॉमी का मार्केट रेट गिर के हो गया है 9%, तो अभी इकोनॉमी का रेट 9% है और ये डिबेंचर 10 दे रहा है, लोगों को पसंद आएगा या नहीं ये डिबेंचर? लोग परचेस करने भागेंगे या नहीं ये डिबेंचर? तो डिमांड बढ़ी तो क्या बढ़ेगी डिबेंचर की? प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, फेस वैल्यू जितनी कॉस्ट नहीं रहेगी तो कॉस्ट फ्लक्चुएट हो सकती है, ठीक है। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि कॉस्ट अलग हो सकती है, फेस वैल्यू अलग है। फेस वैल्यू तो जो दे देंगे 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, वो फेस वैल्यू, ठीक है। चलो तो फॉर्मेट लिखते हैं, सबसे पहले नहीं, इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स का कॉलम नहीं आएगा। कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूट ने एक दो क्वेश्चन में यूज किया है, पर मेजोरिटी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने नॉमिनल वैल्यू यूज किया है, तो अपन एक ही फॉर्मेट फिक्स रखेंगे, ठीक है, समझा यहां तक? ये तो फॉर्मेट की बात थी, खैर अभी मजा आएगा कंसेप्ट, इसका काफी अलग कंसेप्ट चलता है क्योंकि मजा आएगा तुमको सुनने में। चलो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में देखो, एक टाइमलाइन बनाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल ये है एक अप्रैल 21, ये है 31 मार्च 22, और बीच में डाल देते हैं 1 अक्टूबर। चलो तो अभी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मतलब क्या? कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, किसको पे करेगी? इन्वेस्टर को। अभी फॉर एग्जांपल अपन दो पर्संस लेते हैं, ठीक है, ये एक और ये एक, ये है हर्षराज और दूसरा है मीत, ठीक है। चलो तो हर्षराज के पास डिबेंचर था 1 अप्रैल 21 को, और हर्षराज ने 3 महीने उसके पास रखा, तो मतलब कब तक रखा? अप्रैल मई जून, 30 जून तक किसके पास था? हर्षराज के पास, सही बात, 3 महीने किसके पास था? हर्षराज के पास। अभी कंपनी ने बोल दिया था डिबेंचर इशू करते वक्त कि डिबेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, कंपनी इंटरेस्ट के डेट्स दे देती है कि ये डेट पे हम इंटरेस्ट देंगे, तो अभी कंपनी ने डेट दिया है 1 अक्टूबर और 31 मार्च, तो कंपनी बोली 6-6 महीने का इंटरेस्ट हम इधर देंगे और 6 महीने का इधर देंगे। साल भर का एक साथ नहीं दे रही कंपनी, कंपनी 6-6 महीने में दे रही है, तो 6 महीने का कब देगी कंपनी? 1 अक्टूबर को, और बाकी 6 महीने का कब देगी? 31 मार्च को। अभी हर्षराज ने बेच दिया डिबेंचर किसको? मीत को, तो अभी 1 जुलाई से किसके पास हो गया? मीत के पास। तो अभी 1 अक्टूबर को डिबेंचर किसके पास है? मीत के पास। तो अभी क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ये है कि कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट किसको दे? हर्षराज को दे या मीत को दे? पर यार हर्षराज के पास था ना 3 महीने, क्या 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 वो किससे लेगा हर्षराज? मीत से। कंपनी 3-3 महीने का है। अच्छा तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, मैं तुमको ऑप्शन देता हूं। एक तो कि कंपनी 3 महीने का इंटरेस्ट देगी हर्षराज को, 3 महीने का देगी मीत को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मीत खरीदते वक्त ही हर्षराज को 3 महीने का इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है कि पूरा 6 महीने का मीत को ही मिल जाएगा। 3 ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्यों? कंपनी क्यों ना दे 3-3 महीने का? यस, वेरी गुड। देखो क्या होता है, वेरी गुड, तुम सबने एकदम सही सोचा है। कंपनी क्या करती है,
कंपनी, अभी सोचो ये तो मैंने एक ही ट्रांजेक्शन लिया, कोई रोज बेचता होगा, 6 महीने में हजारों लोगों ने चेंज किया होगा एक डिबेंचर, कंपनी क्या देखने जाएगी क्या, एक दिन इसके वास्ते है ले 1 दिन का इंटरेस्ट, 2 दिन इसके वास्ते है ले 2 दिन का इंटरेस्ट, कंपनी धंधा करे ये सब करे, है ना। तो कंपनी ने सिंपल पॉलिसी रख दी क्या कि ड्यू डेट आया ना, तो ड्यू डेट आते ही 6 महीने का इंटरेस्ट जिसके भी पास डिबेंचर है हम उसको दे देंगे, फिर तुम आपस में देख लो तुम्हें क्या करना है। तो अभी देखो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी शेयर्स का अलग था, शेयर्स खरीदते बेचते वक्त अपने को पता नहीं डिविडेंड कितना मिलने वाला है, तो सामने वाले से मैं ले नहीं सकता हूँ, पर डिबेंचर अगर ये बेचे, अभी हर्षराज किसको बेच रहा है, मीत को, तो हर्षराज को पहले से पता है ना कि मीत को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला पहले से पता है कि 6 महीने का इंटरेस्ट था जो उसको मिलने वाला है, तो हर्षराज बोलेगा या नहीं बोलेगा, 3 महीने का दे मुझे, 3 महीने मैंने संभाला था, 3 महीने का मुझे दे, नहीं तो दूसरे तैयार है, मैं दूसरों को बेच दूंगा जो 3 महीने का दे रहे मुझे, है ना। यही ट्रांजैक्शन होता है कि जो भी सामने वाला बेचेगा तो उसने जितने मैंने होल्ड किया है ना वो उतने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा सामने वाले से, क्यों, क्योंकि मीत को कितने महीने का मिलने वाला है कंपनी से, 6 महीने का, तो 6 महीने का पूरा हक थोड़ी उस पर, उसको 3 महीने का ही हक है, तो सिंपल है। देखो ये खरीदते वक्त हर्षराज को 3 महीने का इंटरेस्ट दे देगा और कंपनी से कितने महीने का लेगा, 6 महीने का, मतलब नेट इसको कितने महीने का मिल गया, 3 महीने का, समझ रहा है, ये ट्रांजैक्शन होता है। अभी ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स के बीच हो रहा है, एक को खरीदना पड़ रहा है एक को बेचना पड़ रहा है, तो खरीदने वाला कौन था, मीत, तो खरीदने वाले को जो बेच रहा है उसको क्या भरना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो हर्षराज को लास्ट इंटरेस्ट जब मिला था ना, हर्षराज को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 मार्च को, उसके बाद कितने महीने बीत चुके हैं, 3 महीने, 3 महीने हो गए उसके बाद, तो 3 महीने का इंटरेस्ट उसको इसे देना पड़ेगा और कंपनी से जब मिलेगा तो इसको पूरा मिलेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझ गया ना तो बहुत ईजी जाएगा टॉपिक, बस ये सिंपल कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो दोनों के एंगल से सोचते एक बार, अभी परचेस वाले के एंगल से सोचा, अभी सेल वाले के एंगल से सोचते हैं। सेल वाले ने 3 महीने संभाला लास्ट इंटरेस्ट के बाद से, तो उसने बेचते वक्त जब हर्षराज मीत को बेचेगा ना तो वो मांगेगा इंटरेस्ट, तो इसके लिए क्या रहेगी वो इनकम, और उसके लिए क्या रहेगी एक्सपेंस, समझ रही है ये कंसेप्ट, बस यही होने वाला है, यही कंसेप्ट समझ गया ना, बहुत लोगों को यही नहीं समझता है, वो सिर्फ लर्न करने का ट्राई करते हैं, हाँ ऐसे लिखना है, पर वैसे नहीं समझेगा, बहुत मिस्टेक्स होते हैं उससे। तुम्हें हर बार याद रखना है, परचेस करते वक्त सामने वाला इंटरेस्ट भरेगा, कितने महीने का भरेगा, लास्ट इंटरेस्ट की डेट थी ना उससे अब तक का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे लगता है, नॉमिनल वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, ये याद रखना। कॉस्ट पे आएगा क्या, नहीं आएगा, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट आएगा और वो सामने वाले को भरना पड़ेगा। क्लियर, किसी को डाउट कुछ, नहीं तो रुक जाते, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हो, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ नहीं 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 अभी देना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने बाद ये एक दूसरे को जानते ही नहीं, फिर बेचते वक्त मार्केट ने मिला दिया ना उनको, 3 महीने बाद क्या ढूंढने जाऊँ मैं किसको बेचा था, ये यहाँ पे बैठे बाजू बाजू में इसलिए पता है, पर तू प्रैक्टिकल में इमेजिन कर कि पूरे इंडिया में मैं नॉर्थ साउथ वाले को बेच रहा हूँ, तो वो अभी मांगेगा ना, मैं कहा ढूंढने जाऊँ उसको 3 महीने। नहीं कॉस्ट में नहीं ऐड होगा, उसकी बात करते हाँ उस पर बात करते आते उस पर, ये ट्रांजैक्शन समझेगा तुमको बस। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, थोड़ा अमाउंट डालते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा अमाउंट डालते, ठीक है। डिबेंचर था फेस वैल्यू का, डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100 रुपये, ठीक है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, ठीक है। चलो तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये एनुअल है, ये साल भर का इंटरेस्ट है, तो 6-6 महीने में अगर कंपनी दे रही है तो कितना देगी, 5-5 रुपए, तो 6 महीने में कंपनी 5 रुपए देने वाली। एक काम करते हैं इसको 12 कर लेते, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, 12% मतलब 6 महीने का कितना रुपए देगी कंपनी, 6 रुपए, ठीक है, 6 महीने का 6 रुपए, 6 महीने का 6 रुपए, सिंपल। अभी
हर्षराज ने जब मीत को बेचा तब इसकी कॉस्ट हो गई थी, हर्षराज ने जब मीत को बेचा तो डिबेंचर्स की कॉस्ट थी 98, ठीक है, 98 कॉस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो मीत ने इसको कितने पैसे पे किए डिबेंचर के, 98 डिबेंचर के, सिर्फ डिबेंचर के 98, सिर्फ डिबेंचर के 98 पे किए। पर हर्षराज सिर्फ इतने में खुश नहीं होगा, उसको और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो इसने 3 महीने बाद बेचा था तो कितना इंटरेस्ट मांगेगा बोलो? 3 रुपए, है ना, 6 रुपए 6 महीने का था तो 3 महीने का, तो टोटल कितने पैसे मांगेगा ये? 101। तो इसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 101। बैंक अकाउंट में कितने आए? 101, ठीक है। मैं बेचने वाले की, जिस जो बेच रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। एक काम करते, पहले जो खरीद रहा है उसकी बात कर लेते। खरीद कौन रहा था? मीत खरीद रहा है, ठीक है। तो मीत को कितने पैसे पे करने पड़े? 101। पे करने पड़े, तो बैंक से पैसे गए, तो बैंक को क्या करते हैं अपन? क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट करते हैं। चलो, तो 101 का बाइफरकेशन कैसा है? इसने 101 में 98 दिए किसके? डिबेंचर के, और 3 रुपए दिए इंटरेस्ट के। तो अभी मुझे बताओ, एंट्री करनी क्या चाहिए तुम्हारे हिसाब से? पूरा 101 इन्वेस्टमेंट में डालूं या क्या करूं? हाँ, वो तो बाद में बात करते। क्या करना चाहिए बोलो? दो ऑप्शन, एक तो इन्वेस्टमेंट दिखाओ 98 पे, इंटरेस्ट दिखाओ 3 रुपए, या तो इन्वेस्टमेंट दिखाओ 101। अलग अलग, वेरी गुड, अलग अलग ही जाएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट परचेस करने की कॉस्ट नहीं है, ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी फीस नहीं है, ये इंटरेस्ट का खर्चा है, ये तो एक्चुअल में खर्चा है। और इंटरेस्ट की जब, सुनो, इंटरेस्ट की जब भी इसको कंपनी से इनकम मिलेगी ना, तो 6 महीने की मिलेगी, तो इसको 6 महीने की इनकम पे हक ही नहीं ना, इसका तो 3 ही महीने की इनकम है। तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट भर रहा हूं मैं अभी, उसको खर्चा दिखाऊंगा तभी नेट 3 महीने की इनकम आएगी। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट ये पे कर रहा है उसको क्या दिखाना पड़ेगा? उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस। वो 3 महीने का इंटरेस्ट क्या दिखेगा? खर्चा। तो 2 बैंक अकाउंट तो किया, 101 तो गए, तो अभी डेबिट किसको करूं बताओ? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स 98 और वेरी गुड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 3 रुपए। बोल, हाँ, तो कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, ऐसे तेरा बोलना है। देख, इंटरेस्ट दिया बिना खरीद दे नहीं सकते थे, पर ये जो पे कर रहे हैं ना, ये कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं है, ये है कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट की कॉस्ट है। मतलब अभी तू मुझे बता, अगर तू इसको इन्वेस्टमेंट में डाल दे तो इन्वेस्टमेंट 101 पे दिखेगा, पर जब इसको 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा 6 रुपए, तो फिर वो 6 रुपए पूरा PNL में चला जाएगा, जबकि उसकी इनकम 6 रुपए नहीं है, उसकी इनकम कितनी है? 3 ही रुपए। तो अगर वो 6 रुपए 6 महीने बाद मिलेंगे, 3 महीने बाद, तो 6 रुपए PNL के क्रेडिट में जाएगा और 3 महीने का खर्चा भी जाएगा, तो नेट 3 रुपए जा रहे या नहीं जा रहे बराबर अभी के केस में, है ना? देख, इंटरेस्ट दिए बिना खरीद नहीं सकता था, ये बात सही है, पर ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, ये तो दूसरा खर्चा है, ये इंटरेस्ट का खर्चा है जो इसको भरना पड़ रहा है, ठीक है। ये डिबेंचर परचेस करने के लिए कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही है, डिबेंचर परचेस करने के लिए तो ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वो जो खर्चा लगता है वो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, पर ये खर्चा उसको सामने वाले को पे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का सेटलमेंट के लिए, वो इंटरेस्ट का मांग रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट का नहीं मांग रहा है, कि इन्वेस्टमेंट परचेस करने के लिए दे, ऐसे नहीं। वो क्यों मांग रहा है, रीजन क्या है मांगने का? कि तुझे इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का ना, पर मेरा हक है उसमें से 3 महीने का, तो मेरा हक मुझे अभी दे दे इंटरेस्ट। हाँ, नहीं, पर फिर PNL में कुछ जाएगा ही नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ, वैसे कर सकते हैं, पर एस ने वैसे ट्रीटमेंट नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? उसका सिंपल रीजन है कि जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना अभी, वो खर्चा है, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है ही नहीं। तो जब 6 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो तो इनकम ही है।
तो इसलिए एस ने नॉर्मल ट्रीटमेंट ही दी, मतलब रिकवरी ऑफ कॉस्ट वगैरह की ट्रीटमेंट नहीं दी है, वो वेरिएबल इनकम के केस में दी है। वहाँ पे प्री एक्विजिशन डिविडेंड नाम का कंसेप्ट सीखा था अपन ने, तो वो पूरा कंसेप्ट अलग ही था। ये पूरा अलग है, ये तो खर्चा है, नॉर्मल इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ वो खर्चा है, तो इसको अलग ही रिकॉर्ड करेंगे, अलग ही अकाउंट है। ठीक है, क्लियर? तो एंट्री क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ रहा है? तो ये परचेस करने वाले के एंगल से सोचा है। ठीक है, अभी थोड़ा आगे लेके जाते हैं स्टोरी को। अभी हुआ क्या, ये हुआ था 3 महीने बाद ना, मतलब जून, 30 जून को हुआ था ये। फिर अभी 30 सितंबर, 1 अक्टूबर आएगा, 1 अक्टूबर को मीत को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट किससे, कंपनी से। कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी इसको, 6 रुपए, तो उसकी एंट्री क्या करेगी, बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपए टू, वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 6 रुपए। देखो 6 रुपए की इनकम दिख रही है, 3 रुपए का खर्चा दिख रहा है, तो नेट 3 रुपए की इनकम पीएनएल में जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी अगर इसने बेच दिया, ठीक है, इसने बेच दिया, इसने बेचा फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद, ठीक है, मीत ने बेच दिया 2 महीने बाद, तो अभी 2 महीने बाद इसने बेचा है, और इसने बेचा है फॉर एग्जाम्पल 99 में, पर 99 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो 2 महीने बाद अगर मीत ने बेचा, तो ये सिर्फ 99 में खुश रहेगा क्या, ये और कुछ मांगेगा, क्या मांगेगा, इंटरेस्ट कितने महीने का, 5 महीने का या 2 महीने का। ये देख, 1 अक्टूबर के 2 महीने बाद रहे, मतलब नवंबर दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर, एक बार बोलो कितने लोग 5 बोल रहे हैं। अरे बहुत 5-5 सुनाई दे रहा था, हाथ तो धोते नहीं हो बाकी लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे थे क्या, और 2 वाले, अच्छा मेजोरिटी लोग 2 बोल रहे। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, मीत को इंटरेस्ट मिल गया था लास्ट, कब मिला था, 1 अक्टूबर को, 6 महीने का मिल गया था। अभी उसने 2 महीने और संभाला, नवंबर और अक्टूबर और नवंबर, और उसने बेच दिया 1 दिसंबर को आगे वाले आदमी को। ठीक है, तो मीत को बेचते वक्त दुख क्या हो रहा है कि यार मैंने 2 महीने और संभाला इंटरेस्ट मिलने के बाद, या उसको दुख ऐसा होगा कि 5 महीने संभाला 2 महीने का, क्योंकि उसको 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट मिल गया था, तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंटरेस्ट मिल रहा था, उसको दुख क्या हुआ यार 2 महीने मैंने संभाला उसका, मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो अभी मुझे खरीदने वाला देगा, है ना, मुझे अभी खरीदने वाला इंटरेस्ट देगा। तो जिसको जो भी ये बेच रहा है, जिसको भी ये बेच रहा है, उससे वो 2 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा। वेरी गुड, जितने लोगों ने सोचा है सही सोचा है, सामने वाले से कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा, तो 99 में और कितने मांगेगा फिर वो, 2 रुपए और, तो अभी इसके बैंक में कितने पैसे आएंगे, 101 रुपए आए, टू इंटरेस्ट के कितने मांगे उसने, 2 रुपए इंटरेस्ट मांग रहा है, तो इनकम है इसके लिए, तो इनकम को क्या कर दिया, क्रेडिट, और बचे हुए क्या डाल दू, इन्वेस्टमेंट कितना, 99। अभी अगर बेचा तो क्या होता है, बेचते ही कौन आता है, प्रॉफिट या लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, 99। नहीं हाँ, पर अपन ने उस दिन इसमें भी देखा था ना, वेरिएबल इनकम में, इन्वेस्टमेंट में पूरा जाता है, बाद में प्रॉफिट लॉस की अलग एंट्री होती है। ठीक है, तो अभी इसने बेचा है 99 में और खरीदा था 98 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल को क्रेडिट हो जाए। समझ रहा है ये पूरी स्टोरी, बस यही अप्लाई करना है पूरे सारे क्वेश्चंस में, कंसेप्ट यही रहेगी, यही कंसेप्ट की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, स्टोरी क्या है कि इंटरेस्ट की डेट्स चेक करो, इंटरेस्ट की डेट्स अगर 6-6 महीने की है, ठीक है, इंटरेस्ट की डेट्स 6-6 महीने की है, तो बहुत सिंपल है, लास्ट इंटरेस्ट जब मिला था उसके बाद कितने महीने संभाला ये चेक करो,
वो उतने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा। तो अगर हर्षराज ने बेचा होता 2 महीने बाद, इंटरेस्ट लास्ट मिला था उसके 2 महीने बाद बेचा होता, तो वो कितने महीने का इंटरेस्ट मांगता? 2 महीने का, क्योंकि उसको दुख क्या हो रहा है, मैंने 2 महीने संभाला यार इंटरेस्ट डेट के बाद, है ना, वो दुख होगा उसको, तो इसीलिए वो 2 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा और सामने वाले को देना पड़ेगा। तो सिंपल है, इंटरेस्ट कॉलम इसीलिए बनाते हैं अपन लेजर अकाउंट में। देखो इंटरेस्ट कॉलम है, तो ये जो इंटरेस्ट अपन डेबिट क्रेडिट करते हैं ना, वो कहाँ लिखेंगे? इंटरेस्ट कॉलम, क्योंकि इंटरेस्ट कॉलम वहाँ पे ही बना दिया है अपन लोगों ने, इसीलिए इंटरेस्ट कॉलम वहाँ पे ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे एक जगह पे दिख जाएगा मैं कितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ, कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ। क्लियर? तो ये सारा कंसेप्ट डिस्कशन था। अभी अपन जर्नल एंट्री सबसे पहले लिखते हैं। चलो जर्नल एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छे से लिखना फॉर्मेट के नीचे प्रॉपरली। सबसे पहले आएगा परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री, ठीक है। अभी रिजल्ट के ख्यालों से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते निधि। ओके ओके ओके, अभी से खुशियां मना रहे क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट और जानना जरूरी है शुरू करने से पहले। ऐसा कंसेप्ट नहीं, बहुत ही आसान है वो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो था अपन ने अभी अभी देखा, कुछ जर्नल इंटरेस्ट देखे, जैसे देखो ये, तो इन्वेस्टमेंट किस पर रिकॉर्ड हुआ था मुझे बताओ? इंटरेस्ट की अमाउंट आई थी क्या उसमें? नहीं। इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ था? इंटरेस्ट के अलावा जो वैल्यू थी उस पर, मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वैल्यू, है ना, मतलब उसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड होगा वो इंटरेस्ट वाले अमाउंट पे नहीं होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का अमाउंट उसमें नहीं आना चाहिए। तो उसको एक नाम दिया गया एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपने जो जर्नल इंटरेस्ट लिखे थे ना 2 मिनट, उसमें यहाँ पे लिख दो जो रिकॉर्ड किए थे यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट प्राइस, फिर यहां पे आएगा इंटरेस्ट अमाउंट। ब्रैकेट में सिर्फ अमाउंट लिख दो, कौन सा अमाउंट आएगा। लिखा? और सुनो, अभी होता क्या है, कभी कभी ना क्वेश्चन दे देता है कि तुमने इन्वेस्टमेंट खरीदा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे जो कि है 99। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे देता है कि तुमने खरीदा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे जो कि है 99 या 98, जो भी था अपने एग्जांपल में 98, तुमने खरीदा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे जो कि है 98। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट को 98 पर रिकॉर्ड कर दूंगा, इंटरेस्ट जो भी पे किया ऊपर से उसको अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आता आता है, कभी कभी क्वेश्चन देता है तुमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है कम इंटरेस्ट प्राइस पे, मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट प्राइस पे, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड प्राइस पे खरीदा है 101।
ऐसे भी देता है क्वेश्चन कभी कभी, तो भी क्या करोगे, बायफर्केट कर दोगे, सिंपल है ना, कितना आसान है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि तुमने खरीदा है कम इंटरेस्ट प्राइस पे, मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, मतलब इंक्लूडिंग ऑफ इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर तुमने इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस पे खरीदा 101, तो अगर 101 पे खरीदा है तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट अमाउंट निकालूंगा। सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट निकालना जरूरी होता है, इंटरेस्ट अमाउंट निकालूंगा 101 पे या फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। इसमें कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे ही ज़्यादा मिस्टेक्स होते, ठीक है। तो ये शुरू से मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ इस पे कि इंटरेस्ट अमाउंट निकलेगा फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू पे निकालेंगे कि अगर 2 महीने का इंटरेस्ट भरना है तो 100 रुपये पे 12% फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, 2 रुपये, तो 2 रुपये 101 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 101 में से 2 अलग निकाले, 99 अलग निकाले, 99 को रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट और 2 रुपये को रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स है जो तुम्हें समझने चाहिए, एक है एक्स इंटरेस्ट और एक है कम इंटरेस्ट, ठीक है। इसको मैं लिखवा दूंगा पर बाद में, पहले क्वेश्चन पे बढ़ते, तुम्हारी भी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है ना, नहीं? छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहला, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, करें शुरू। खुद के नोट्स पे गर्व हो रहा है क्या तुमको? नहीं हो रहा? ऐसे होता है, मतलब कभी कभी देख देख के वाओ कितना अच्छा लिखा है मैंने। ठीक है, तो अच्छा अच्छा लिखा ना, ऐसे तो नोट्स अच्छा मेंटेन करने की इच्छा होती है, तो शुरू में अच्छा मेंटेन करो तो एंड तक अच्छा रहेगा। इसलिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करो, क्योंकि फाउंडेशन तक ना जो था वो था, फाउंडेशन में 4 ही सब्जेक्ट थे, इधर उधर करके एडजस्ट कर लिया होगा, पर इंटर में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स अच्छे से मेंटेन करो विद क्वेश्चंस। वैसे बस मेरे पास क्वेश्चंस का पीडीएफ भी है अपन ने जो सॉल्व किया, तो ये भी मैं टॉपिक होने के बाद शेयर कर दिया करूँगा, मतलब जो क्वेश्चन में किए ये तुम्हारे पास रह गए, इनकेस तुमने कुछ गलत लिखा वगैरह, तो विद क्वेश्चंस तुम्हारे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो अभी इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का। चलो है देन, यहां पे लिखना मत, एक काम करे, फॉर्मेट बना सकते हैं अपन साथ में, फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट तो चेंज नहीं होने वाला, फॉर्मेट बना लेते हैं, सिर्फ 10 कॉलम। ठीक है, लिखने का टाइम मैं दूंगा, ठीक है, यहां पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले ऊपर आता है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बेयर, ठीक है, बुल एंड बेयर के बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड,
ठीक है, ये डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना मिलता है एनुअली, 12%, इसीलिए उसके नाम के आगे ऐड हो गया 12%। चलो देखते हैं क्वेश्चन में पहला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, डेट। अच्छा सबसे पहले इंटरेस्ट की डेट देख लेते हैं, इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March। तो इंटरेस्ट की डेट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताएगा कि इस डेट पे इंटरेस्ट मिल गया, वो अज्यूम्ड होता है कि इंटरेस्ट इस डेट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट की डेट से 30/9 और 31st March। नेक्स्ट, ऑन 1st December 2012 मेसर्स बुल एंड बेयर परचेस 10,000 ऑफ दिस डिबेंचर्स एट 101x इंटरेस्ट ऑल्सो प्रोइंग ब्रोकरेज। ओ हो हो, चलो मजा आएगा। चलो सबसे पहले एक एक करके चीजें सोचते हैं। सबसे पहले डेट क्या आएगा ट्रांजैक्शन का, 1st December। परचेस कब किया है, 1st December। चलो तो 1st December को इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब टू बैंक का डेबिट साइड में, ठीक है, तो टू बैंक तो मैं लिख लूंगा। पर अभी पहली चीज ये सोचो कि सामने वाला कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा आपसे, से पक्का? वेरी गुड। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30th September। तो वो कब कब का इंटरेस्ट मांगेगा, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि अपन ने कब खरीदा है, 1 December को। तो उसको दुख क्या हो रहा है, अरे 2 महीने मैंने संभाला, पर इंटरेस्ट तो इसको मिलेगा पूरा नेक्स्ट। तो इससे वो क्या बोलेगा, 2 महीने का इंटरेस्ट तू मुझे दे दे। तो 2 महीने का इंटरेस्ट अपने को देना पड़ेगा। कैलकुलेट करो, ट्राई करो कितना आएगा इंटरेस्ट, क्या अमाउंट चाहिए पर डिबेंचर, नहीं टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 20,000 आ रहा है। सब लोग करो ट्राई, सब लोग ट्राई करो। ओके, बीस हजार, किसी का कुछ और आया है, किसी का नहीं, ठीक है। देखो 10,000 डिबेंचर खरीदे, हर डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। हर डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपए। तो अच्छा कहाँ दी है नॉमिनल वैल्यू, फर्स्ट लाइन पे ऑफ 100 ईच बोला गया, ऑफ 100 ईच बोला है। तो 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू है। तो बेसिकली मैंने 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच खरीदा है, तो 100 ईच के डिबेंचर पे साल भर का इंटरेस्ट होता है 12 रुपए। तो 2 महीने का कितना हुआ, 2 रुपए पर डिबेंचर। तो 10,000 डिबेंचर का कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, 20,000, ठीक है। और 101 प्राइस भरनी पड़ी है, ठीक है, 101 प्राइस भरनी पड़ी। तो चलो मैं सबसे पहले एंट्री लिखने का ट्राई करता हूँ, 1st December 12 या X1 टू बैंक अकाउंट, लिखना मत, घाई करो मत, मैं दूंगा टाइम। कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे, नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में कितना लिखूं, 10 लाख। मैंने 10,000 डिबेंचर्स खरीदे, एक की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। तो टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना आया मेरे पास, 10 लाख के डिबेंचर्स मेरे पास, 10 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मेरे पास पड़े, समझा? नॉमिनल वैल्यू कॉलम में ये आ जाएगा। अभी इंटरेस्ट कॉलम में, इंटरेस्ट कॉलम में क्या आएगा, तो यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन दिखा सकते हो, 10 लाख पे 12% फॉर 2 मंथ्स, ये हो जाएगा 20,000, समझाए? 20,000 क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। ये तो करेक्ट था, पर अभी अमाउंट कॉलम में क्या लिखूं, तो चेक करते हैं। उन्होंने बोला हुआ है 101 में डिबेंचर खरीदा हुआ है, ठीक है, 101 में। तो 101 इंटू 10,000 कितना होता है, 10,10,000, है ना। पर इस पे क्या पे किया है अपन ने सामने से, ब्रोकरेज 1% बोला है, पर 1% किसका, इस इंटरेस्ट प्राइस का, ये उन्होंने ही बोल दिया है ना, ये उन्होंने ही बोल दिया। तो 1% किसका, एक्स इंटरेस्ट प्राइस का, ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन प्राइस पे लगता है, ऐसे याद रखना। तो ट्रांजैक्शन हुआ 101 एक्स इंटरेस्ट पे, तो ब्रोकरेज लगेगा 101 पे, मतलब ब्रोकरेज लगेगा 10,10,000 का 1%, मतलब कितना, मैंने 10,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं 101 का, एक इसमें ऐड करूंगा 1% ब्रोकरेज, कितना आ रहा है, 10,20,000। सो टोटल, टोटल अमाउंट 10,20,000। सो तो मेरी परचेस प्राइस कितनी आ गई, 10,20,000। सो ये कैलकुलेशन मैंने नीचे ही दे दिया ब्रैकेट में, समझा है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक
चलो आगे बढ़ते, ट्रांजैक्शन देखते आगे। अभी नेक्स्ट इंटरेस्ट की डेट कब है वैसे अपने लिए? 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक अगर संभाला, 31 मार्च तक संभाला तो 31 मार्च को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर 31 मार्च तक संभाला क्या अपन ने? देखो क्वेश्चन में कब बेच दिया, 1 मार्च को ही बेच दिया, तो 1 मार्च 12 को एंट्री आएगी यहाँ पे बाय बैंक, क्या हुआ 13, अरे फर्स्ट मार्च 13 या X3 बाय बैंक सारे बेच दिए, तो नॉमिनल वैल्यू कॉलम में क्या लिखूं, कितने वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे? 10 लाख। तो मैंने नॉमिनल वैल्यू में 10 लाख पूरे लिख दिए। अभी अभी आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं सामने वाले से इंटरेस्ट कितने का मांगूंगा, कितने महीने का मांगूंगा, सोचो 3 महीने मांगू या क्या 5 महीने मांगू? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 3 महीने या 5 महीने, बोलो। 3 महीने कौन बोल रहा है? 1, 2 बस। क्यों 3 महीने? नहीं 3 महीने, क्यों 3 महीने? दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने अपन ने संभाला, तो 3 महीने का मांगेंगे ना। अपन ने कितने महीने संभाला? 3 महीने, तो 3 महीने का मांगेंगे ना। देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भले ही 3 महीने संभाला हो पर मैं 2 महीने का इंटरेस्ट भर दिया था सामने वाले को, मतलब एज गुड एज 2 महीने मेरे पास ही था, मैंने 2 महीने का इंटरेस्ट भर चुका था सामने वाले को, तो इसका मतलब क्या पहले के 2 महीने भी मैंने ही संभाला, ठीक है, और 3 महीने संभाला तो टोटल 5 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। और ऐसे भी सोच के देखना कि 5 महीने का मुझे मिलेगा तो 2 महीने का मैंने भर चुका हूँ, तो नेट मुझे कितना मिलेगा 3 महीने का, अभी सही हो रहा है ना, अभी सही हो रहा है, तो मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट मांगूंगा मैं आगे वाले से, 5 महीने का, तो कितना इंटरेस्ट मांगूंगा मतलब 50,000, ठीक है, 12% पर एनम है तो 100 रुपये पे 12% होता है 12 रुपये साल भर का, तो 5 महीने का 5 रुपये इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर से 10,000, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 लाख नॉमिनल वैल्यू थी उस पर 12% इंटू 5/12, तो मैंने 50,000 इंटरेस्ट सामने वाले से ले लिया। अभी कितने में बेचा है? 103 में बेचा है, 103, तो मतलब 10,30,000, पर ब्रोकरेज भी पे किया है, तो ब्रोकरेज सेल प्राइस में ऐड होगा या लेस होगा? लेस होगा, क्यों? क्योंकि मुझे माइनस होके पैसे आएंगे ना, ब्रोकरेज कट करके पैसे देगा, जो भी मुझे जो भी मार्केट या जो भी ये रहेगा बीच में इंटरमीडियरी, वो ब्रोकरेज काट के पैसे देगा, तो 10,30,000 में से 1% ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, कितना आ रहा है 10,19,700, सबका यही आ रहा है, चलो वेरी गुड। इसके लिए मैं नीचे ही लिख दूंगा बाद में, अभी सिर्फ अमाउंट लिख लेता हूं 10,19,700। देखो ट्रांजैक्शंस तो हो गए पर अभी भी 2 चीजें बाकी है, क्या बाकी है बोलो? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेचने पे क्या आता है? प्रॉफिट। मैंने बोला था ना बेचते ही रिलेटिव्स आ जाएंगे पूछने को कितना प्रॉफिट कमाया, बताओ बताओ बताओ, तो रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा, बताओ रिलेटिव्स को कितना कमाया प्रॉफिट, लॉस है। देखो यहाँ पे सारे बेच दिए इसलिए बहुत इजी है, क्योंकि अमाउंट कॉलम के इसमें कितना है 10,19,700 और खरीदे थे 10,20,100 में, तो कितने का लॉस हो रहा है 1, 3 कितने का 400 रुपये का, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, लॉस की एंट्री थी PNL टू इन्वेस्टमेंट, तो मैं लॉस की एंट्री कर दूंगा बाय PNL अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 400। ये बहुत इजी था, सारे बेच दिए इसलिए वर्किंग नोट नहीं बनानी पड़ी, नहीं तो अपन सेल की वर्किंग नोट बनाते थे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे तो सारे ही बेच दिए तो अमाउंट कॉलम का डिफरेंस, ठीक है। और एक चीज बची है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट ओपन है ना अब तक, इंटरेस्ट को कैसे क्लोज करेंगे PNL में डाल के, तो इंटरेस्ट को भी PNL में डालना पड़ेगा, टू PNL 30,000 चला जाएगा PNL में, तो इंटरेस्ट कॉलम भी क्लोज हो गया, अभी पूरा का पूरा क्लोज हो गया।
कुछ भी बैलेंस नहीं है, मैंने सारे के सारे बेच दिए। चलो तुम लोग शुरू कर सकते हो, समझ के करना, बीच में कोई डाउट आए तो पूछो मुझे। ये अमाउंट यहाँ पे मत लिखो, सिर्फ इसका वर्किंग नोट में ही कर लेते, ये बहुत ही वहाँ पे ही हो रहा है सब कुछ, नीचे बना रहा हूँ मैं। हाँ लॉस कैसे, 10, 20, 100 माइनस 10, 19, 700 बैलेंसिंग फिगर डाल दिया पीएनएल। हाँ तूने देख खरीदा कितने में, 101 में खरीदा है। हाँ इंटरेस्ट को जाने दे, इंटरेस्ट का तो अलग ही विषय चलता है। 101 में प्लस 1% कर, कितना आता है, इतने में खरीदा है और बेचा 103 में, 103 से माइनस 1% कर। एक सौ 2.01 में खरीदा, 101.97 में बेचा। हाँ इंटरेस्ट का तो अलग से ही अकाउंट चलता है ना, इंटरेस्ट का कुछ संबंध नहीं ब्रोकरेज की वजह से। क्या क्या एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ये लिखाऊंगा मैं तुमको, इसमें ऐड करेंगे 1% ब्रोकरेज। ये वर्किंग नोट ही बनाना, किधर लेस 1% ब्रोकरेज। चलो ये है पूरा सॉल्यूशन, चलो डन, समझा है, समझ के लिखा, बढ़िया मजा आ गया। चलो कल वाले क्वेश्चंस में और भी मजा आएगा, अभी अरे अरे अभी और एक क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए आज जल्दी छोड़ रहा हूं, उधारी पे रहेगा ठीक है, 10 रुपए उधार, 10 मिनट उधार ठीक है। तो कल ऑल भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे, तो हो सके तो एक बार रिवाइज करके आना, सिर्फ कल और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, एब्सेंट मत रहना कल, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके बाय।